मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, सत श्री अकाल। तो अभी सुबह सुबह का कितना बजे है? 7:30, मतलब 7:40। सो अभी मैंने मेरा योग कर लिया और फिर अभी किचन में आया हूँ। तो किचन में देखो, ये हाँ, मनीषा ने आज फिर से पराठा बना दिया है हमारे लिए और चाय बनती है। तो अभी जल्दी जल्दी चाय पराठा खा के फिर जाने को है मीरा को छोड़ने के लिए। तो और आज मीरा के लिए बनाया था पराठा। तो जब भी वो बनाती है मीरा के लिए, तो मेरे लिए भी बनाती है। तो खुद नहीं खाती मगर हमको खिलाती है, ऐसी है हमारी मनीषा। तो देखते रहिए और फिर मिलते हैं, देखते हैं आगे क्या करते हैं हम। अभी तो मालूम नहीं कि क्या करेंगे, राइट? मगर आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, तो देखो अभी पराठा गुजराती में बोलते हैं और हिंदी में पराठा बोलते हैं। मेरा और चाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाँ, मेरा तो इंग्लिश में आवड़े कोई? हाँ, आवड़े इंग्लिश में। तो बोलना। और गुजराती में बोले? गुजराती में बोले। गुजराती में बोला है, अपनी भाषा में बोला है। क्या बोलूँ? दोस्तों ने कहा कि उधर मजामा से आज मनीषा को कुछ हो गया? मनीषा का प्रॉब्लम हो गया कुछ? क्या प्रॉब्लम हो गया? दूध का कुछ? दही जमाया, दूध जमाया, पूरा जमा नहीं। कभी कभी होता है विंटर में। हाँ, तो आप हम दूध को जमाते हैं और दही बनाते हैं। हाँ, रेडीमेड नहीं लेते, रेडीमेड लेते हैं मगर वो ग्रीक स्टाइल वाला थोड़ा लेते हैं, मगर ज्यादातर हम घर पे ही बनाते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये ठंडी की वजह से शायद जमा नहीं होगा। तो दूसरी बार जमा लेंगे, लेकिन नहीं तो गर्म पानी करके तो पहले मैं डाल के उसमें रख देती हूँ, तो बाद में वो जम जाते हैं। आप कैसे करते हो कमेंट में बताना जरूर। क्योंकि वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। विंटर में कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ठंड की वजह से वो जमता नहीं है पूरा। मनीषा को छाछ चाहिए। छाछ मुझे दूध चाहिए। छाछ छाछ मेरे लिए स्पेशली शाम को, रात को अच्छी नहीं। दोपहर को ठीक है, थोड़ा कुछ ले लिया, मगर रात को तो वो भी ठंडी में नहीं, समर में नहीं, फिर गला बैठ जाता है मेरा। तो ऐसा है, तो बने रहिए। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम तैयार हो गए हैं स्कूल छोड़ने का, मीरा को जाने का है। तो अभी सुबह के कितने बजे हैं मीरा? हाँ, व्हाट्स द टाइम? टाइम इज नियर 8:00। सो अभी देखिए 8:00 हो गए या तो ये देखिए अभी सुबह सुबह का कैसा नज़ारा है इधर हमारे गार्डन से। देखो ये माउंटेन कैसा दिखता है, माउंटेन। हाँ हाँ, ये अभी माउंटेन देखो। ठंडी है, मौसम का हाल अगर बताऊँ आपको तो मौसम अभी 11 डिग्री होगा, 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड या, मगर विंड नहीं है, पवन नहीं है। तो पवन नहीं है तो इतनी ठंडी लगती नहीं, वैसे है तो सही मगर इतनी नहीं है।
तो देखिए अभी स्काई थोड़ा क्लियर है तो अच्छा है, इसलिए ब्राइटनेस लगती है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये नज़ारा। देखो तो मीरा भी मेरे साथ आई है तो अभी चलो हम चलते हैं साथ साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सुबह का नज़ारा, घर के सामने से ऐसा दिखता है, समुंदर भी दिख रहा है। समंदर दिखता है, दिखता ही होगा ना। तो बहुत ही खुशनुमा वातावरण है, ठंडी है, ठंडी। मीरा को कभी लगती ही नहीं है। फूल गुलाबी ठंडी है। गुलाबी ठंडी है, गुलाबी ठंडी से भी थोड़ी ज्यादा है, मगर अच्छा है। तो चलिए बताओ। हाँ, ये लिफ्ट देखो पूरा, ये जब लास्ट टाइम हमने आपको दिखाया था तब से अभी कुछ नहीं है, मगर इसमें लिफ्ट फिर स्प्रिंग में आएगा भी, सबसे पहले पहले आता है, सबसे पहले आता गिरता है। है तो भी पहले गिर जाता है। आता है तो अभी पहले आता है। तो देखो ये सुबह का, हाँ तो फ्रेंड्स ये देखो अभी कैसा हो गया है माउंटेन भी, ये जो हमारे पीछे दिखता है ना, पहले बताया था तब पहले कैसा था कैसा और अब देखो कैसा है। हो गया, कलर चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया कलर, ये ऑटम का। ऑरेंज कलर की चुंदड़ी ओढ़ ली है उसने। हाँ, सब देखो ऐसे जैसे वो बैठ गया है, और अपने प्रियतमा की राह देख रहा है, ऐसा है स्प्रिंग की मतलब प्रियतमा। तो ऐसा है अभी तो सब कुछ चेंज हो जाता है मौसम का हाल, मगर अच्छी बात यह है ये ठंडी है मगर पवन नहीं है, विंड नहीं है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। ठंडी तो लगती है मगर थोड़े दौड़ते हैं, थोड़े चलते हैं तो ठंडी भाग जाती है। मॉर्निंग में तो ऐसा रहता है। मॉर्निंग में ऐसा रहता है, मगर मीरा तो आगे आगे ही जाती है। मीरा कभी हमारे पीछे नहीं चलती, देखो वो आगे आगे जा रही है, उसको आगे ही जाना है पीछे नहीं रहने का है ना मीरा। हाँ, हम जब दौड़ते हैं तो वो सोचती है कि मैं मैं आगे निकल जाऊं, मगर मैं भी दौड़ूंगा, फिर देखते देखते हैं आज तो मीरा का ऐसा है। तो देखते रहिए, गली में गली, गली में गली तो है, गली में गली, गली में गली है। हाँ तो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम एक बार व्लॉग में हमने दिखाया था मीरा को, जब स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो आधा रास्ता दिखाया था और आधा रास्ता बाकी था। हाँ, तो आज अभी देखो इधर टाउन में से हम आपको थोड़ा दिखाएंगे आगे का हाल, और इधर ये शॉप है ना जो बाजू में, इधर शॉप है जो ऑफ लाइसेंस दिखता है लिखा है, वो उधर मेरा फ्रेंड है उसकी शॉप है, तो उधर से उसका लड़का जो मीरा के साथ पढ़ता है, और लड़की छोटी सी लड़की है वो, उसका नाम ईशा है और वो लड़के का नाम है ईश, तो वो दोनों अभी हमारे साथ आएंगे, शामिल होंगे, शायद उसका डेट भी आएगा, तो हम साथ साथ जाएंगे अभी, तो उसकी राह देख रहे हैं, वो अभी नीचे उतरेंगे, ऊपर रहते हैं वो, तो इसलिए हम इधर थोड़ा वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं इस उसकी, वो आ जाए तो फिर हम साथ साथ जाएंगे। हाँ, तो ऐसा है, तो बने रहिए। ये देखो है, इसका नाम है इश्क, से हेलो एवरीबॉडी, हाय। हाँ, देयर वी गो। सो अभी वो ईशा जो उसकी बहन है छोटी, वो माँ बेटी दोनों आ रहे हैं मनीषा के साथ पीछे, तो
ऐसा है ये रास्ता शॉर्टकट है, अभी नहीं आते वो आते हैं अभी वहाँ रहेगा। ओके दे आर कमिंग, दे आर कमिंग वहाँ रहेगा। ये देखो रास्ता, ये सेनेटरी है और ये है चर्च, उधर से पास होते हैं हम क्योंकि ये शॉर्टकट है। वो तो दोनों जा रहे हैं आगे आगे, तो ये देखिए ये सेनेटरी, इधर पहले दफनाते थे सभी, इधर उसका पहले था, अभी तो अभी नहीं है, अभी तो ऐसे ही वो रख दिया है पूरा, दोनों तरफ है सेनेटरी, क्योंकि पहले ऐसा था चर्च के बाजू में ही उसको दफनाते थे लोगों को। तो इधर ये सब कॉमन है चर्च के पास, चर्च के पास में सेमेटरी होना। तो और ये दोनों आगे आगे जा रहे हैं और ये बाजू में देखो उधर जो ग्राउंड दिखता है वो बॉलिंग का ग्राउंड है, वो बुजुर्ग लोग इधर आते हैं और प्ले करते हैं बॉलिंग, क्योंकि इधर रिटायर्ड पीपल बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये देखो बॉलिंग का ग्राउंड है ये, और अभी मेरे ख्याल से फिर से अभी देखते हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो आएंगे अभी। ये इधर जो शॉर्टकट हम बोलते थे ना, इधर फिर हम आ गए हैं मेन रोड पे जहाँ से क्रॉस करना है, तो ऑलवेज इधर देखना पड़ेगा पहले गाड़ी आती है कि नहीं आती। अब नहीं आती तो चलो, या हाउ टू क्रॉस द रोड, तो वो सिखाते हैं इधर स्कूल में भी कैसे रोड क्रॉस करना चाहिए बच्चों को। देखो ये मेन रोड है और इधर से देखो ये पुलिस आ रही है, देखो वाओ हाँ, वो कुछ पुलिस जा रही है कुछ इमरजेंसी में कुछ हुआ होगा, तो अभी वो जा रही है, हम इधर फिर भी वेट कर रहे हैं, वो लोग पीछे रह गए हैं। हाँ वाहे रहेगा, व्हाट डू यू मीन वाहे रहेगा, दैट इज मेरनी भाषा, शी इज टॉकिंग इन मेरनी भाषा, शी इज ओनली नोज द मेरनी भाषा इन इंग्लिश, शी डजंट नो एनी अदर लैंग्वेज। ये एक दूसरा चर्च है इधर जो बंद पड़ा है, सभी चर्च अभी तो बहुत ऐसे कम चर्च इधर रह गए हैं जो ओपन होते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर अभी चर्च में जा नहीं रहे, वो आध्यात्मिक के और लौट नहीं रहे, वो जब से ये मटेरियलिज्म वर्ल्ड फैशन के पीछे और सभी घरेलू चीज़ के पीछे जब भी भाग रहे हैं सब लोग, तो अभी वो भगवान से दूर हो रहे हैं, आध्यात्मिकता उसमें कम हो गई है, तो उसकी ओर लाना पड़ेगा अभी सभी को। एक इधर देखो ये है, ये चालू है, ये बहुत बड़ा है, ये देखो उसका कंस्ट्रक्शन देखो बहुत ही बढ़िया है, तो ये चर्च बहुत अच्छा है। ये तो चालू है और ये कैथोलिक चर्च है, कैथोलिक चर्च, इसकी डिजाइन बहुत ही अच्छी है। या देखो अभी ये तो आ रहे हैं
ईशा और उसकी मम्मी और मनीषा तीनों साथ में आ रहे हैं। देखिए वो पीछे पीछे रह गए थे हमारे। से हेलो तो यस यस और क्या चाहिए लोगों को? और कुछ नहीं चाहिए। चल 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 चल, कम ऑन, गो गो फर्स्ट, गो 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 गो, चलो 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 चलो। देखिए और इधर इधर एक और हमारा फ्रेंड रहता है ये स्ट्रीट पे, तो उसका लड़का भी मीरा के साथ पढ़ता है, उसका नाम है ध्यान। तो वो अभी जॉइंट होंगे इधर से। देखिए देखिए तो यही हमारा रूटीन है एवरीडे का। तो ये रूटीन में हम सभी आते हैं स्कूल पे। तो देखिए वो खेलते आते हैं, मस्ती करते हैं। ये देखो सभी बातें करते हैं मस्ती करके साथ में आ रहे हैं। ईशा को बहुत मजा आती है मनीषा के साथ। ऐसा है सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है अभी, बहुत ही बढ़िया सुबह सुबह की ये रोशनी बहुत ही अच्छी लगती है, मगर ठंडी तो है। ये सभी आ रहे हैं बच्चे लोग। बस इधर से जाने का है। ये ओके तो बाय 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 ईशा, खुल गया, चलो। ये देखो इधर से अभी माउंटेन का नजारा कैसा लगता है। जब भी सूरज की किरणें जब भी आती है सुबह सुबह की माउंटेन पे तो खूबसूरत नज़ारा होता है। तो मैंने सोचा कि चलो हम अपने दोस्तों को भी दिखाए। तो अभी वापस हम जा रहे हैं बैक टू होम।
घर पे जा रहे हैं स्कूल से। तो ये है सुबह का नजारा। ठंड भी लग रही है। ठंड तो है, ठंड है, वो बोलती थे अभी 7-8 degrees है, क्योंकि फिंगर में मालूम पड़ता है कि हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, इतनी ठंडी लगती है हाथ में। वैसे ग्लोव्स चाहिए, मगर हमने पहना नहीं, नेक्स्ट टाइम पहनेंगे।